Hi guys, this side CM Vipulsha. Today I'm going to share small difference between Sensex and BSE. So basically Sensex is a benchmark index of Bombay Stock Exchange, which was formed in 1986. Whereas NSE is a National Stock Exchange and its formation was in 1996. The second difference is Sensex comprises of 30 stock. In Nifty, we have 50 stock. Now, ये सिलेक्ट कैसे करते हैं? तो जो सेंसेक्स है इसमें टोटल 13 सेक्टर्स होते हैं, उसमें से ये स्टॉक सिलेक्ट किया जाता है जो टॉप ट्रेडेड स्टॉक है, एंड निफ्टी में अराउंड 24 सेक्टर में से 50 स्टॉक सिलेक्ट किए जाते हैं. नाउ इसका फायदा क्या होता है सर? अपने को मार्केट का एक आइडिया आता है कि मार्केट किस तरफ बढ़ रहा है, यानी एक मार्केट का लुकआउट या ट्रेंड अपने को पता चलता है, एंड जिससे अपने को एनालिस करने में ईजी होता है. एंड मैक्सिमम जो ट्रांजेक्शन होते हैं वो एनएससी पे ज़्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू BSE. So I hope you like this reel. So please save this reel and don't forget to watch my next reel. Thank you so much.